ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, 2018 पेपर 1, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, अ यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस आर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। तो एक कैपिलरी ट्यूब को वाटर के अंदर डिप भर दिया है, ठीक है, उससे क्या होएगा? द वाटर राइजेस टू हाइट एच इन द कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस, वाटर सरफेस इन द बीकर। अपने को पता है, यदि अपन ट्यूब को पानी के अंदर रखेंगे तो क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज सिग्मा। सरफेस टेंशन सिग्मा दिया हुआ है, जनरली अपन उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज थीटा। और इसका क्या मतलब है, देखो मैं यहां पर अगर एक सिलेंडर बना लेता हूँ, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, उसमें एक ये ट्यूब है। अभी ट्यूब को मैं जानबूझ के थोड़ी सी मोटी दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो बहुत पतली होती है। यहाँ तक पानी भरा हुआ है मान लो, तो क्या होएगा, ये पानी ऐसे ऊपर उड़ जाएगा मीन्स ट्यूब के अंदर, ठीक है। और अपने को क्या बताया यहाँ पर, अब भाई ऐसे केस में सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है उसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होता है, ये निकालना आना चाहिए, तभी बनेगा क्वेश्चन ये। तो क्या कैसे निकालते हैं भाई, सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन, और उसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, अब ये कॉन्टैक्ट एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सरफेस टेंशन का फोर्स ये है और उसका मैंने ऊपर वाला कंपोनेंट तोड़ा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। पर किसी को सच में अगर आता होगा तो उसको पता है, क्या पता है, कि छोटे छोटे फोर्सेस का कंपोनेंट ऊपर वाला पहले लेते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये चीज निकल के आती है, ठीक है। तो 2 पाई आर सिग्मा कॉस थीटा, ये हो गया सरफेस टेंशन का फोर्स। और ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा, इस हिस्से में जो लिक्विड है, इसमें सॉरी इतनी लिक्विड, इसको क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा। तो अब यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है आगे, कि इग्नोर द मास ऑफ द वाटर इन द मेनिस्कस। मेनिस्कस के अंदर मतलब मेनिस्कस कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर के मास को अपने को इग्नोर करना है। मतलब ले देगी, ये जो पानी का कॉलम दिखाई दे रहा है अपने को, उसको अपने को एक सिलेंड्रिकल कॉलम मानना है, सिंपल, ठीक है। अब है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देखते हैं। हाँ, अब इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू हाइट कितनी है उसकी, एच। कौन सी हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट एच है। तो ये हो गया वॉल्यूम पूरा, इंटू क्या करूंगा, डेंसिटी, इससे क्या आ गया, मास आ गया, इंटू क्या करूंगा, जी, उससे क्या आ गया, ग्रेविटी का फोर्स आ गया। तो इस ग्रेविटी के फोर्स को है ना, इसको इसको नीचे कौन खींच रहा है, ये वाला फोर्स, और इसको ऊपर कौन कुछ खींच रहा है, ये वाला फोर्स। तो ये जो कॉलम है वाटर का, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देख लो भाई क्या क्या कट रहा है, ये आर का स्क्वायर और ये आर, ये पाई और ये पाई, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच रो जी, ये आ गया। अब क्वेश्चन देखो, मतलब ऑप्शन देखो, फॉर गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आर। आर और एच में क्या होएगा, सोचो भाई, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, सिग्मा कॉस थीटा भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, रो भी कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है। थीटा कैसे कॉन्स्टेंट है भाई, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन के लिए फिक्स होता है, ठीक है। तो आर एच बराबर क्या आया, बेसिकली आर एच बराबर कॉन्स्टेंट आया, यानी कि आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/h आ गया। आर बढ़ेगा तो एच घटेगा, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। फॉर गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आर, इनवर्स रिलेशन। आगे, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। ये इसको देखो भाई, यहाँ पर क्या एच सिग्मा से इंडिपेंडेंट दिख रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये एच है और यहाँ पर सिग्मा है, तो ऑफकोर्स सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया।
इन इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन अ लिफ्ट गोइंग अप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन एच डिक्रीजेस। इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं लिफ्ट में डाल दिया इसको पूरे को और लिफ्ट ऊपर से जा रही है, ठीक है, तो अपन क्या लगाते हैं ऐसे को ऐसे केस में, इफेक्टिव ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ए प्लस जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी है वो क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा, उससे क्या होगा देखो, पूरा कचरा हो गया है। यहाँ पर बेसिकली जी इफेक्टिव आ जा रहा है इनटू क्या आ जा रहा है, एच, मतलब एच इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव आ रहा है। एच इज इक्वल टू 1/g इफेक्टिव, प्रोपोर्शनैलिटी ऐसी आ रही है फिर से। तो यहां पर क्या होएगा, जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एच कम होएगा, ठीक है। तो सी भी सही हो गया, ए तो सही था ही, बी गलत था। अब एच आखिरी ऑप्शन देखो, एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दिया हुआ है, तो एच कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है भाई, थीटा के प्रोपोर्शनल थोड़ी ना, तो ये तो गलत हो गया। गलत आंसर इसका ए और सी आ गया, खत्म, और क्या। थैंक यू।